आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, प्रश्न दिया है, धीरू किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। यदि धीरू और काकू अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटों में उस गड्ढे को खोद सकते हैं, तो काकू अकेला उसे कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। प्रश्न में दिया है, धीरू 1/a भाग को 20 घंटों में खोद सकता है। 1/a भाग को 20 घंटे में खोदेगा, तो एक भाग खोदने में लगा समय हो जाएगा 20a, तो धीरू की कार्य क्षमता हो जाएगी, कार्य क्षमता धीरू की हो जाएगा 1/20a हो जाएगा। तो यहां पर दिया गया है कि धीरू और काकू अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटे में उस गड्ढे को खोद सकते हैं। 60 घंटे में दिया है, इसलिए धीरू और काकू की कुल कार्य क्षमता हो जाएगा, धीरू और काकू की कार्य क्षमता दोनों को मिलाकर के हो जाएगा 1/60, और धीरू की अकेले की कार्य क्षमता 1/20 है, तो हम लोग यहां से काकू की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो काकू की कार्य क्षमता हो जाएगा दोनों के कार्य क्षमता में से 1/60 में से क्या करेंगे, धीरू का कार्य क्षमता को घटा देंगे, तो ये हमें मिलेगा 1/3/60a, ये काकू की कार्य क्षमता है। अब कि काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है, तो काकू के 20 घंटे का काम निकाल लेंगे, एक घंटे का काम काकू का हमारा आया है, एक घंटे की कार्य क्षमता 1/3/60 है, तो इसको क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे, तो 20 घंटे का कार्य क्षमता आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 1/3/30 3a, ये हमारा आंसर है। ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1/3/3a, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।